पुरस्कार मिलेंगे, सलमान और अबू से वफादार मिलेंगे। नहीं मनाएंगे, दुश्मन खुशी मनाएंगे और हार जाने वाले कब मनाएंगे, बल्कि जाना और जाने के बाद इनका माफ करना ताकि लोगों से मिलना और मिलने के बाद उनके लिए एक सुन्नत और ये दुनिया पर रहे ताकि के जब हसने करेंगे हमारे ईमान है तो फिर हम उससे ज्यादा कहा नहीं पहुँचता है। अब इंसान ने काले करना चला जाएगा या तो सुहा सारे बढ़ जाएंगे, क्या आप ईमान से बढ़कर हो गए, क्या हंसने करेंगे से बढ़कर हो गए, क्या
क्या है, अब हमें लिखने चाहिए कि हम मौसमी तो नहीं हो सकते, नामौसमी कैसे बन सकते हैं, लेकिन उनके उनका लाजिम है, वाजिब है, हमें उनकी इबादत करना चाहिए, उनके अनुभव पर इबादत करना चाहिए और उनकी इबादत किस तरीके से करना चाहिए, और इबादत में से हम उनका जिक्र कर रहे हैं, दस्त पढ़ रहे हैं, वो इबादत है, हम उनका तस्करा कर रहे हैं, वो इबादत है, खुदा की इबादत हमने तो नमाज पढ़ी है और उनकी इबादत उनका जिक्र करना इबादत है, हम इबादत जो करते हैं वो इबादत है, उनका तस्करा वो इबादत है, क्योंकि आज की तारीख कल की तारीख है, लेकिन चंद झुकने उसके बाद इंसान आदाय के बाद और हमें खाना दिखा स्थिति जब कोई यतीम हो जाए तो हमें सबसे पहले उसके घर जाना चाहिए, जाने के बाद उसके घर पहुंचकर उसको ताजियत पेश करना चाहिए, क्यों जो आपके वालिदैन हमारे दरमियान है कोई साथ नहीं है और जिनके यहाँ खुशी है उनको खुशी है, या नहीं कि जहाँ पर मैं आप वहाँ मुबारकबाद पेश करें और जहाँ खुशी है वहाँ पर मुबारकबाद, नहीं बल्कि जो रिश्तेदार हैं वो जहाँ मौत भी उसके घर हैं उसको तसली दें, तशफी दें, क्योंकि आप जानते हैं तसली और तशफी देना हर लाजिम है, ज़रूरी एक जरूरत होती है, क्योंकि वो एहसास करते हैं कहा कि अगर इंतजार ये हमारे दरमियान थे इंतजार हमारे दरमियान नहीं है तो आप ही बताइए, हम जाकर वापस करते हैं और जाने के बाद आप ही बताएं कि हम हर साल इंतजार नहीं का, लेकिन जब ये उस साल पहले पहले भाई तो आप ये बताइए भीड़ होती है, लेकिन हर आदमी बड़ा कायनात के दरबार पर उसने निकली मैं वो ताजियत पेश कर रहा हूँ, ताजियत पेश कर रहा था क्योंकि बड़ा कायनात ने बता दिया है तो ये इबादत भी कामयाबी है, क्या कहा आप अपनी मदद से फसली है उसको मेरा दिल का था रब के काबर की कसम आज मैं कामयाब हो गया, इतना कहना था बता दिया कि अगर इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी है तो वो उसकी इबादत है उसकी नमाज है, क्योंकि तो मलाई कायनात ने इतनी जगह फतह की है लेकिन कभी ये नहीं कहा कि आज मरा हुआ अंतर वही ने पछाड़ा है, आज कामयाब हो गया है, आज जंग खैबर को फतह किया आज अभी कामयाब हो गया, तो इसका मतलब यह है कि दुनिया की कामयाबी नहीं है बल्कि जब खुदा से मुलाकात करता है उसकी असल कामयाबी है, तो खुदा मलाए कायनात ने कहा कि अपने रब से मुलाकात कर तुम्हारा मन कई और मेरे खुदा जाने वाला तो मैं कहूँगा मौता आज आप दुनिया से गए आपके दरवाजे पर इमाम हसन और इमाम हुसैन को ताज़ियत पेश करने वाले घर पर गए हैं तो आप ये सोचिएगा सर सर तरीक बाद के लिए ये तो सोहरा ने कैसे मनाया होगा बल्कि सोहरा याद कर रही होगी कि जब ये कहीं ना आया था तो मेरे बाप अमीर साहब मेरे दरमियान थे आज सोहरा ने इस चीज़ को कैसे मनाया होगा तो बताओ सब कुछ है बस सोहरा बोलती थी और मेरा मैं सोहरा तारीफ देती है कि जब बीजा करती थी और बीजा करने के बाद लेकिन एक बीबी थी कि जो ईद तो मनाती थी लेकिन शक्कर बना के बाद जाती थी और जाने के बाद वो बीबी कौन है बताओ हमारी शहजादी सैनब है जब ईद का दिन आता था तो कहती थी कि मेरी तो ईद यही है कि मैं अपने तारे कहती थी जब ईद का दिन आता था तो जहाँ सैनब आज खिलाफे उम्मीद के घर जाती थी अपने भाग्य में ईद मनाती थी और जाने के बाद उसने निकल गया तो देती थी चलिए उम्मीद करीब के घर जाते हैं क्योंकि वहाँ मेरे चार भाई हैं और जैसे इतना ज़्यादा पहुँचती थी तो चारों दरवाजे पर ऐसे खड़े हो जाते थे कि जैसे कि कोई गुलाम खड़े हुए हो लेकिन अल्लाह जब सन 61 हिजरी के बाद यही ईद आई और जनाब सैनब मदीने ने पहुंची ईद का दिन आया जनाब सैनब ने कहा और देखा देखने के बाद ना हसन है ना हुसैन के जानी अकबर है बस अल्लाह का बेटा सैयद सज्जाद आज मैं चाहती हूँ कि अपनी अम्मा के पास जाऊँ अल्लाह जैसे ही पहुंची तो जनाब सैनब के सहन में ये था जैसे दरवाजे पर पहुंची कोई नजर ना आया खड़े होकर कहा बस क्या अपनी शहजादी का इस्तकबाल नहीं करोगे अहमद क्या तुम शहजादी का इस्तकबाल नहीं करोगे बस अल्लाह कोई नहीं आया और जनाब उम्मत बनी आगे बढ़ी और आने के बाद कहा कि अम्मा अपने चार बेटों का गुस्सा कबूल कीजिए चारों तरफ देख रही थी देखने के बाद जनाब उम्मत बनी ने इशारा किया तारीख कहते जनाब फर्द चले और चलने के बाद
Thank you.